वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर एक्साइटेड अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वी आर स्टडिंग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट जीडीपी। देन इन फर्स्ट पार्ट वी स्टडीड अबाउट द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जो अपने पास थ्योरी था उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम आपने देखा था। देर आर टू अप्रोचेस ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, ED इज इक्वल टू AS अप्रोच एंड S इज इक्वल टू I अप्रोच। इट इज अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ दिस इक्विलिब्रियम एंड इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ द इक्विलिब्रियम। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्ट इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक इट, शेयर इट। लेट्स स्टार्ट टूडेज पार्ट। एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। एज यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन एस एंड आई, एस फॉर सेविंग, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। सेविंग इनकम का पार्ट होता है एंड इन्वेस्टमेंट इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर। सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम इज अचीव व्हेन एस इज इक्वल टू आई। इक्विलिब्रियम जो जीडीपी का है और इनकम इज अचीव्ड जब एस इज इक्वल टू आई हो जाता है। तो आपके पास एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ऑलरेडी बराबर होगा उस कंडीशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस फंक्शन, वी नो एस इज इक्वल टू एफ वाई, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई। हमारी सेविंग हमारी इनकम पे डिपेंड करती है। सो एस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा देन योर सेविंग ऑल्सो विल बी इंक्रीज। हाउएवर एट द लोअर लेवल ऑफ इनकम एस कैन बी नेगेटिव व्हेन योर इनकम इज सो लो दैट इट इज बिलो योर कंजप्शन, देन इट इज द केस ऑफ नेगेटिव सेविंग। Even when your income is zero, then your consumption is not zero, then the minimum consumption and the autonomous consumption is called negative saving. उसको negative saving भी बोला जाता है। So S become negative to the extent C is below Y. जब तक आपका consumption जो है ज़्यादा रहेगा income से तब तक आपकी income negative रहेगी। It is quite clear, जो कि आपके इस formula से clear हो जाता है। वी आर कंसिडरिंग अ स्ट्रेट लाइन एस फंक्शन कॉल्ड लीनियर फंक्शन। जो सेविंग का जो फंक्शन आएगा इट इज लीनियर फंक्शन क्योंकि ये ग्राफ पे एक सीधा लाइन आता है। नाउ कम टू द आई फंक्शन। एज रिगार्ड आई फंक्शन वी आर कंसिडरिंग ओनली ऑटोनोमस। जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर प्लान करके रखते हैं कि उनको कितना इन्वेस्ट करना है इकोनॉमी में, इट इज़ अ फिक्स एंड इट इज़ कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कई बार कंपल्शन वाला इन्वेस्टमेंट भी होता है। एक बार बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया एंड उस बिजनेस को चलाने के लिए बाद में आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, देन इट इज कॉल्ड अदर इन्वेस्टमेंट अदर देन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ हम सिर्फ कंसिडर करेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। ये इनकम लेवल से इंडिपेंडेंट रहेगा। मतलब जो इन्वेस्टमेंट इनकम लेवल से इंडिपेंडेंट होता है इट इज़ कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंगली इट इज़ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। ये एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपने पढ़ा है इक्विलिब्रियम जीडीपी इनकम एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। अगर आप इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन देखेंगे टेबल टू जो है आपको ये चीज़ शो करता है कि एक तरफ तो आपके पास इनकम शो होगा और सेकेंड आपका कंजप्शन है, देन योर सेविंग जो कि इनकम माइनस कंजप्शन होगा एंड देन इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स जो कि एक हॉरिजेंटल लाइन होगा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इट इज़ इन्वेस्टमेंट जो 20 पे फिक्स किया गया है, सेविंग जो आपका निकाला गया है कंजप्शन वाई माइनस सी, ठीक, और कंजप्शन इज गिवन। तो बिगनिंग में आप देखेंगे व्हेन योर इनकम इज जीरो देन ऑटोनोमस जो आपका कंजप्शन है वो 30 है। इट इज़ मिनिमम लेवल कंजप्शन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ। तो 3 जो आपके केस हैं स्टार्टिंग के, यहाँ आपके पास नेगेटिव सेविंग आता है -30 to -10 है बिकॉज इन 3 केसेज में योर इनकम इज़ बिलो टू योर कंजप्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो कंजप्शन है वो तीनों टाइम ज़्यादा है। देन फोर्थ वाले मामले में 60 इज इक्वल टू 60, यहाँ आपका इनकम आपके कंजप्शन के एग्जैक्टली इक्वल है, देन योर सेविंग इज़ जीरो
ठीक। एंड फिक्स इन्वेस्टमेंट इज ऑल टाइम 20। अब यहाँ इक्विलिब्रियम कहाँ लगेगा, व्हेन वेयर एस इज इक्वल टू आई, जहाँ आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होगा। एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू टेबल इट इज एट द पॉइंट ऑफ 20। यहाँ पे आपके पास सेविंग 20 एंड योर इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो 20। इट इज़ द इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू एस इज इक्वल टू आई अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम होता है, बिकॉज ऑन दिस पॉइंट योर इनकम इज 100, कंजप्शन इज 80 एंड इन्वेस्टमेंट इज 20, देन 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। तो आपके पास जो डिमांड एग्रीगेट वो एग्जैक्ट इनकम के इक्वल होती है, दैट इज वाई इट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ GDP। सो इट इज क्लियर, यू कैन pause your screen anytime to understand the schedule and the table clearly. Equilibrium GDP income graphical presentation. Now it is the diagrammatic presentation of this equilibrium. Saving line is started from below the horizon. जो आपका origin point है इससे नीचे से -30 से start होता है, because 30 is your minimum consumption. 30 आपका minimum consumption होता है, ये minus saving से इसको denote किया जाएगा. Then इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम द सेविंग फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम 30, 60 पे ये आपके OX एक्सेस को टच करता है। इट मीन्स यहाँ पे आपका इनकम जो है वो बिल्कुल कंजप्शन के बराबर होता है, देयर इज़ नो सेविंग, जीरो सेविंग केस है। यहाँ पे आपका जो माइनस जो नेगेटिव सेविंग था वो बंद हो जाता है, इसके बाद आपका पॉजिटिव सेविंग स्टार्ट होगा, बट वो एक इनकम लेवल के बराबर होगा। बट एट द लेवल ऑफ ई, जहाँ आपका इन्वेस्टमेंट 20 होता है, 80 कंजप्शन है, तो 80 और 20 100 होता है, इट इज़ द इक्विलिब्रियम ऑफ GDP। ई जो पॉइंट है, इट इज़ द इक्विलिब्रियम जो आपने टेबल में देखा था। यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, नीचे जो लिखा हुआ है आप इसमें देखेंगे, पॉइंट ओके इज द कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट, ओ और के के बराबर जो आपका कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ वाई, ये वाई लेवल से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, इट मीन्स इट विल नॉट डिपेंड ऑन योर इनकम लेवल। सेकेंड पॉइंट है ओके जो है इज माइनस बी, इट मीन्स नेगेटिव सेविंग एज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन एंड वाई इज इक्वल टू जीरो। जब आपका इनकम जीरो होता है तो ऑटोनोमस जो कंजप्शन होता है ओ और के बराबर है, ओ के बार के बराबर, जो डायग्राम में आपको यहाँ नीचे की तरफ शो किया गया है। इट इज योर नेगेटिव सेविंग एंड ऑटोनोमस कंजप्शन, मिनिमम लेवल कंजप्शन होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको दिया गया है, ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर एस इज इक्वल टू आई। इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि 80 प्लस 20 आपके पास टोटल इनकम के बराबर यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है ओटी इज द इक्विलिब्रियम इनकम, ओ और टी जो है आपके पास, ये डायग्राम में आपको बताया गया, ये इक्विलिब्रियम इनकम के बराबर है। और ये कहाँ पे है, यहाँ देख सकते हैं आप ये सॉरी यस, नाउ इट इज क्लियर, डायग्राम सिंपल है। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, व्हाट हैपन इफ एस इज लोअर देन आई, अगर आपका सेविंग ज़्यादा होता है इन्वेस्टमेंट से तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम होगा और सेविंग आपका ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स एग्रीगेट जो डिमांड है वो मार्केट में कम होगा। इन केस एस इज मोर देन आई, इट इम्प्लाइज अ सिचुएशन व्हेन अ फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू एस इज मोर देन द राइज इन द एक्सपेंडिचर थ्रू आई। तो इसका मतलब क्या है कि फॉल इन एक्सपेंडिचर, जितना सेविंग के कारण एक्सपेंडिचर कम होता है, आई इन्वेस्टमेंट के कारण एक्सपेंडिचर में जो राइज है वो कम होगा। अकॉर्डिंगली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी लेस, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी में वो लो हो जाएगा, लेस देन व्हाट इज नीडेड टू बाय अ प्लांट आउटपुट। जो प्लांट आउटपुट है, जो प्रोड्यूसर प्लांट आउटपुट करते हैं, मतलब सप्लाई आप समझ सकते हैं, उसको खरीदने के लिए पैसा कम होगा, इट मीन्स अनसोल्ड स्टॉक होगा, सम आउटपुट वुड रिमेन अनसोल्ड एंड प्रोड्यूसर विल हैव अनडिजायर्ड स्टॉक होगा, जिसको कि बाय वन गेट वन या अदर ऑफर दे के क्लियर करना पड़ेगा, बट प्रोड्यूसर विल नॉट सफर फ्रॉम दिस लॉस, सो नेक्स्ट राउंड में दे विल श्योरली कट देयर आउटपुट, वो आउटपुट कम करेंगे एंड इट विल रिजल्ट टू द लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ हमने को देखने को मिलेगी। जैसे वो आउटपुट को कम करते हैं तो लो लेवल ऑफ आपका आउटपुट हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, देन इक्विलिब्रियम विल स्ट्रक अगेन, एस इज इक्वल टू आई, जहाँ मैच होगा, इट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा अगर ऐसा होता है तो। नाउ सेकेंड केस, वॉट हैपन इफ
आई इज मोर देन एस। अगर आपका सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है तो क्या होगा, देन इट विल क्रिएट मोर डिमांड जो कि आपके आउटपुट से ज्यादा होगी। यहाँ पे अनफुलफिल डिमांड के कारण प्रोड्यूसर को लॉस होता है, तो प्रोड्यूसर विल हायर सम रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा और वो आउटपुट को बढ़ा देंगे, देन इक्विलिब्रियम विल स्ट्रक अगेन। तो लेट मी रीड इट। इन केस ऑफ व्हेन एस इज लेस देन आई, इट इंप्लाइज द सिचुएशन व्हेन अ फॉल इन द एक्सपेंडिचर थ्रू एस इज लेस देन द राइज इन एक्सपेंडिचर थ्रू आई। जो व्हेन अ फॉल इन एक्सपेंडिचर, जो एस के जरिए आपका एक्सपेंडिचर में लॉस होता है, सेविंग भी, सेविंग के कारण आपका इन जो खर्चा था वो कम हो गया है, बट इसको बढ़ा किसने दिया है, इन्वेस्टमेंट ने। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, अकॉर्डिंगली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी ग्रेटर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बाय द प्लांट आउटपुट। तो प्लांट आउटपुट को खरीदने के लिए पैसा ज़्यादा होगा, इट मीन्स ये डिमांड ज़्यादा हो गई सप्लाई से। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ द हायर एडी एज एस, द प्रोड्यूसर वुड सफर द लॉस ऑफ द अनफुलफिल्ड डिमांड, दिस विल प्रमोटेड द प्रोड्यूसर टू प्लान हायर आउटपुट के लिए प्लान करेंगे। जब हायर आउटपुट के लिए प्लान करेंगे, दे विल प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हायर आउटपुट वुड मीन्स हायर इनकम, एंड हायर इनकम वुड मीन्स हायर सेविंग, इनकम आपका बढ़ने लगेगा और द प्रोसेस वुड कंटिन्यू जब तक एस इज इक्वल टू आई, द इक्विलिब्रियम विल स्ट्रक अगेन। ठीक, द इक्विलिटी बिटवीन एस एंड आई रिस्टोर थ्रू चेंज इन द लेवल ऑफ वाई। नाउ कम टू द थ्री बेसिक अजम्पशंस रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम जीडीपी। तीन जो बेसिक अजम्पशन है, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड एनालिसिस है, इक्विलिब्रियम जीडीपी अकॉर्डिंग टू कीनियन थ्योरी इज डिस्कस्ड ओनली विद रेफरेंस टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि लॉन्ग पीरियड इज लॉन्ग इनफ टू चेंज एवरीथिंग। तो यहाँ शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं। सेकेंड, टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी है, भी टू सेक्टर इकोनॉमी होगा क्लोज, यहाँ हाउस होल्ड होगा और प्रोड्यूसर सेक्टर होगा, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडेड नहीं है। थर्ड, एएस इज परफेक्ट इलास्टिक, अगेन अकॉर्डिंग टू कीनियन थ्योरी एएस इज परफेक्ट इलास्टिक, जो सप्लाई है उसको कभी भी जो एग्जिस्ट कैपेसिटी इकोनॉमी में यूज करके आपकी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। कि तो इसका कर्व कैसे आएगा, परफेक्ट इलास्टिक जो सप्लाई होगा आपके पास, दोबारा एक बार बताते हैं, इट इज़ जस्ट पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, ये आपका ई एस यहाँ कर्व हो जाता है, मतलब आपकी इनकम पे मैच होता है, परफेक्ट इलास्टिक वाला कर्व ही होता है। बट आपने अपने जो डायग्राम है उसमें ई एस को कैसे बताया था, कि अकॉर्डिंग टू इनकम, ये आपका ई एस हुआ, या फिर आप इसको वाई बोल सकते हैं। ठीक, रीजन, एज योर इनकम इंक्रीजेस तो आपका कंजप्शन बढ़ता है और उसी के मैच में सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है प्रोड्यूसर द्वारा, दैट इज वाई जो सप्लाई कर्व है ऑलवेज शूट आउट फ्रॉम ओरिजन और ये स्ट्रेट लाइन चलेगा विथ 45 डिग्री। सो दीज आर द बेसिक अजम्पशंस। नेक्स्ट पेज, नाउ इट इज सम हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन फॉर यू, आप यहाँ दे सकते हैं। फर्स्ट है, फाइंड इक्विलिब्रियम एस, मतलब इक्विलिब्रियम पे आपको सेविंग एंड इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट निकालना है। व्हेन वाई इज इक्वल टू 4400, एमपीसी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है 0.75 एंड ऑटोनोमस कंजप्शन इज 100, देन सॉल्यूशन इज हियर, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, एस इज इक्वल टू आई, आपको पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, तो आप इसमें कंजप्शन फंक्शन यूज करें, पुट ऑल द वैल्यूज, देन यू विल गेट कंजप्शन 3400, ये आपके पास यहाँ कंजप्शन आएगा। देन यू कैन इजीली फाइंड एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 माइनस एमपीसी, तो आप 1 में से 0.75 माइनस करते हैं, देन यू विल गेट 0.25, ये आपका एमपीएस सेविंग का प्रोपेंसिटी आ जाएगा और सेविंग फंक्शन आप अप्लाई करके इजीली यहाँ से आई निकाल सकते हैं। ठीक, तो आप इसको समझ रहे होंगे, अल्टरनेटिव जो तरीका है इसको सॉल्व करने का वो भी यहाँ दिया गया है, तो आंसर आपके पास 1000 यहां आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन दैट एस इज इक्वल टू सेविंग फंक्शन इज गिवन हियर एंड इन्वेस्टमेंट इज 5000, फाइंड इक्विलिब्रियम इनकम एंड इक्विलिब्रियम कंजप्शन आपको यहां पे निकालना है। देन अगेन इक्विलिब्रियम कंडीशन जो अप्रोच है, एस इज इक्वल टू आई अप्रोच आप यूज करेंगे, तो एक तरफ आपके पास सेविंग फंक्शन आपको पुट करना है, एक तरफ इन्वेस्टमेंट है, आप इक्वेशन को जैसे भी बैलेंस करते हैं, वाई को आप बैलेंस करते हैं, तो आपके पास ये सॉल्यूशन निकल के आता है, एज यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, 5025 को आपने ट्रांसपोज किया, इधर नेगेटिव था उधर जाती है, पॉजिटिव हुआ 5025 हुआ, देन यू
have to divide it by 0.5, आप calculate करेंगे, then you will get 10,050. अगेन एसेट इक्विलिब्रियम क्या होगा, सेविंग फंक्शन यूज करेंगे, जो आपके पास इनकम आया आप इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देन यू विल गेट 5,000. ठीक, अगेन वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस है आपके पास, इनकम जो होता है कंजप्शन और सेविंग का सम टोटल है, तो आपको यहाँ से कंजप्शन इजीली निकाल सकते हैं जब आप इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे, देन योर आंसर इज 5,050. थर्ड क्वेश्चन गिवन, कंजप्शन फंक्शन गिवन एंड इन्वेस्टमेंट इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड इक्विलिब्रियम इनकम एंड सेकंड एस एट द सी, एस एंड सी इक्विलिब्रियम ऑफ वाई. देन अगेन यू हैव द सेम फॉर्मूला, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, आपने जो अपना कंजप्शन फंक्शन यूज किया, इनकम इज इक्वल टू आपके पास 400 प्लस 0.9y प्लस एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट आपके पास दिया गया, ये आप यहाँ पे ऐड करेंगे. कैलकुलेशन इज हियर, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम एनी टाइम, अब फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कम टू द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट. अगर इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ जाता है देन इक्विलिब्रियम पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, हायर लेवल पे लगेगा श्योर है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट होते ही, क्योंकि इनकम लेवल बढ़ने लगता है वेन एवर वी गेट एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इन अवर इकोनॉमी. जैसे इंडियन इकोनॉमी के अगर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमें चाहिए अगर वो ज़्यादा आ जाता है देन व्हाट विल हैपन, इनकम लेवल राइज होगा, पूरा एडिशनल इनकम का जो इन्वेस्टमेंट का मैकेनिज्म हम अब पढ़ने वाले हैं. इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन द एडिशनल इनकम, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट को आप डेल्टा आई से डिनोट करेंगे, जो आपके पास यहाँ दिया गया है. अगर आप एडी की बात करते सी प्लस आई, तो ये लो लेवल इन आपका इक्विलिब्रियम था, एडिशनल जब डेल्टा आई आपको मिलता है तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल बी तक ऊपर चला जाएगा और ये एक्स्ट्रा एक लाइन होगी जो गैप बनेगा, ये एडिशनल इनकम वाला बनेगा. नेक्स्ट जो आपका इसके डायग्राम के नीचे जो पॉइंट दिए गए हैं इसको आप देख लें. पॉइंट ए इंडिकेट्स द इनिशियल इक्विलिब्रियम, पॉइंट ए इनिशियल इक्विलिब्रियम को आपको बताता है. ये पॉइंट ए आप देख रहे हैं डायग्राम में, इक्विलिब्रियम एंड ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई. पॉइंट बी इंडिकेटेड द इक्विलिब्रियम व्हेन ए डी जो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट के साथ आता है सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, तो ये बी पे इक्विलिब्रियम आपका चला जाएगा. ठीक, एंड तो इट मीन्स अब क्लियरली ये समझ में आता है कि जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो बढ़ेगा, इनकम लेवल बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा. दैट इज़ वाई ईच एंड एवरी इकोनॉमी ऑलवेज सीक सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए. एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैज़ मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो ये पॉइंट है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट के मल्टीप्लायर इफेक्ट होते हैं. इफ़ यू हैव एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ दैट इट विल जनरेट द इनकम मोर देन 1 times, कई बार ये 2 times 3 times 4 times जनरेट करता है, मल्टीपल इसके इफेक्ट होते हैं. इट विल डिपेंड ऑन द मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है और मल्टीप्लायर डिपेंड किस पे करेगा, आपके प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. जितना ज़्यादा कंजप्शन का प्रोपेंसिटी होगा उतना ज़्यादा आपके पास मल्टीप्लायर का वैल्यू आएगा और मल्टीप्लायर का वैल्यू जैसे बढ़ता जाएगा तो आपके पास इनकम का जनरेशन जो इकोनॉमी में वो बढ़ता जाएगा. इन फिगर 7 जो था आपके पास, ओइंग टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई लेवल ऑफ इनकम जो था ओजे से ओके तक बढ़ गया था. वो डायग्राम कहाँ था ये आप देखें, ओजे से ओके तक का आपका बड़ा, ये इनिशियल ओजे था बाद में ओके तक ये चला गया. इंक्रीज इन इनकम जेके के बराबर इनकम इंक्रीज हुआ, कंपेयर्ड इट विद द साइज ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट ईएफ के बराबर, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको मिला. ये जेके कहां था और ईएफ कहां था डायग्राम में आप देखें, वापस आप देख सकते हैं डायग्राम को, इट इज क्लियर. ईएफ के बराबर आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिला है और ओजे के बराबर, ओके के बराबर एडिशनल जो आपका इनकम जेके के बराबर बढ़ा, ये ठीक. इट इज ऑल अबाउट डायग्राम. तो यहाँ आपके पास ये क्लियर होता है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होंगे, ये कैसे होंगे, मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है, लेट्स सी. यस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, द कंसेप्ट ऑफ जो मल्टीप्लायर है, वी हैव सीन हाउ एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉजेज एडिशनल आउटपुट डेल्टा वाई इन द इकोनॉमी. वी हैव नोटेड दैट इंक्रीज इन द आउटपुट इन इनकम
डेल्टा वाई इज मैनी टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जो इनकम का इंक्रीजमेंट होगा वो मैनी मोर टाइम्स काफ़ी ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट के जितना हुआ है। मैंने बताया 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट होता है तो मे बी 200 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़, कितना भी इनकम का जनरेशन हो सकता है, ये मल्टीप्लायर के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो मैनी टाइम्स होगा, इसको आप देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ जो फॉर्मूला बन के आता है, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई जो है चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट को जब आप डिवाइड करते हैं, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस मल्टीप्लायर। अगर ये 2 times है तो 100 करोड़ से 200 करोड़ का इनकम जनरेट होगा। अगर ये 3 times है तो 100 करोड़ के इनकम से 300 करोड़ का इनकम जनरेट होगा। यहाँ K मल्टीप्लायर है आपके पास, वाई चेंज इन आउटपुट एंड डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है आउटपुट जो आपके पास आएगा refers to the number of times by which the increase in output income में जो increase होता है। Illustration आप इसका देखते हैं, illustration एक example और देखते हैं इसका। Investment economy में 15 करोड़ का हुआ है and the consequences income increases 60 करोड़, तो ये 4 times हुआ, 15 × 4 = 60, तो यहाँ जब आप k का value निकालेंगे तो ये 4 times आएगा, मतलब 15 करोड़ का invest करने से 60 करोड़ का income generate होता है economy में, it is clear। Now relationship between multiplier and MPC, multiplier और MPC का relation क्या होता है, हमने previous chapter में पढ़ा था, k is equal to 1/(1 − MPC, it means direct relation है, जैसे जैसे आपका MPC propensity to consumption बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो अगर आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 होता है तो आप अगर यहाँ से मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1 − 0.5, तो आपके पास ये 1/0.5 रहने वाला है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 2, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू 2 आता है। अगर आप अपनी इनकम का आधा हिस्सा खर्च करते हैं, आधा सेव करते हैं, तो मल्टीप्लायर हमेशा डबल होता है। इट मीन्स 100 करोड़ का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है तो 200 करोड़ का आपके पास इनकम जनरेट होगा। नाउ द मैकेनिज्म जो है आपके पास, इसको आप डायरेक्ट देखते हैं, कुछ पॉइंट्स पहले पढ़ लेते हैं। एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है मींस एडिशनल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एडिशनल एक्सपेंडिचर, ज़्यादा खर्चा होगा। सेकंड है, इफ डेल्टा आई 100 है, इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है, तो डेल्टा वाई 100 करोड़ होगा एज सून एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इन अकर्ड। फर्स्ट राउंड में 100 करोड़ से 100 करोड़ का इनकम जनरेट होगा, बट ये पैसा री इन्वेस्ट होता है इकोनॉमी में, तो सेकंड राउंड में फिर इनकम जनरेट होता है, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, अलग अलग राउंड में अलग अलग इनकम जनरेट होता है। हर बार आप 0.5 जो है अगर MPC के साथ जाते हैं तो आधा पैसा इन्वेस्ट होता है और आधा सेव होता है, तो कई राउंड मिला के ये इनकम का जनरेशन ज़्यादा हो जाता है। लेट अस टेक दैट डेल्टा वाई इज इंक्रीज इन इनकम इन राउंड वन, तो फिर ये राउंड वन में 100 करोड़ हो गया, फिर दिस डेल्टा वाई वुड बी स्प्लिट इनटू डेल्टा सी एंड डेल्टा एस। तो फर्स्ट राउंड के बाद इसके 2 टुकड़े होंगे, कंजप्शन और सेविंग। तो 100 में से कुछ हिस्सा आपके पास सेविंग में जाएगा, कुछ कंजप्शन में जाने वाला। अगर MPC 0.5 है तो 100 करोड़ जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुआ उसमें से 50 करोड़ का सेविंग, 50 का सेविंग हो जाएगा। अगर आपका MPC 0.8 है तो 100 करोड़ का जो एडिशनल इनकम जनरेट हुआ उसमें से 80 करोड़ का कंजप्शन होगा, 20 करोड़ का सेविंग होगा। इस तरीके से मैकेनिज्म करता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय अनदर जो इलिस्ट्रेशन है, टेबुलर से, प्रेजेंटेशन से इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म हियर इट इज, यहाँ इसको आप समझें, फिर बीच वाले फॉर्मूले में वापस पेज टर्न करके समझा दूंगा। नाउ इट इज द एग्जाम्पल। अब आपके पास एक इकोनॉमी में 100 करोड़ का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आता है, इसको कैलकुलेट किया गया MPC 0.5 पे। तो फर्स्ट राउंड में आपका 100 करोड़ का इनकम जो जनरेट हुआ है इसमें से 50 आपका कंजप्शन में जाने वाला है और 50 आपका सेविंग में जाने वाला है। तो यहाँ 50 हुआ और 50 हुआ। अगेन नेक्स्ट राउंड में आपके पास जो कंजप्शन वाला हिस्सा है ये री इन्वेस्ट होगा 50, और MPC 0.5 है तो यहाँ से 25 और 25 दोबारा ये हो जाएगा। इसके 2 टुकड़े होंगे, कंजप्शन और सेविंग में।
अगेन 25 दोबारा जब आपका रीइन्वेस्ट होता है तो इसमें से 12.5 दो स्प्लिट होंगे कंजप्शन और सेविंग, फिर अगेन कंजप्शन वाला हिस्सा 12.5 रीइन्वेस्ट होता है, इससे 6.5 और ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। एट द एंड आपका कैलकुलेशन क्या होगा कि 100 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे 200 करोड़ के बराबर इनकम जनरेट होता है और इसमें से 100 करोड़ आपका सेविंग आता है और 100 करोड़ कंजप्शन आता है, तो ये 200 करोड़ क्योंकि मल्टीप्लायर की वैल्यू व्हेन एमपीसी 0.5 होता है तो मल्टीप्लायर आपके पास क्या आता है 2, इट मींस 100 करोड़ के एक्स्ट्रा एडिशनल इन्वेस्टमेंट से आपके पास डबल इनकम जनरेट होता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म। अब इससे पहले जो हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आप एक बार स्क्रीन पे इसको देख लें, जो मैंने पेज टर्न कर दिया था, दिस इज द एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल यहाँ भी हैं आपके पास, इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन एन इकोनॉमी गवर्नमेंट मेक्स सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एमपीसी वैल्यू व्हेन एमपीसी 0.5 है एंड इंक्रीज इन इनकम 1000 होता है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, फाइंड इट्स वैल्यू, तो उसकी वैल्यू निकालनी है एडिशनल इन्वेस्टमेंट की। तो आप सबसे पहले आपने मल्टीप्लायर निकाला डेल्टा वाई डेल्टा की, और एमपीसी दिया गया है तो 1/(1-MPC) करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लायर यहाँ पे 2 आता है। अब मल्टीप्लायर 2 आता है तो आपने फॉर्मूला के डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे, तो यहाँ आपको डेल्टा आई निकालना था। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकालेंगे देन 500 के बराबर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा। अब मल्टीप्लाई डबल है तो 500 का डबल 1000 आपके पास इनकम जनरेट हुआ। सेकेंड है एमपीसी 0.75, हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इनकम, इनकम 600 इंक्रीज करना है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। ठीक, यहाँ भी आप उसी फॉर्मूले के साथ जाएंगे तो आपके पास मल्टीप्लायर का वैल्यू यहाँ पे 4 आता है, इट मींस 4 टाइम्स होगा। अब तो इसका 1/4 कर लें आप, 600 का सिंपल ही आ जाएगा, तो 150 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 600, तो अगेन By implementing the same formula, you can get the correct answer. तो ये mechanism आपके पास समझ आ गया होगा, it is the description of this mechanism जो मैंने आपको समझाया है। आप इसको अपना एक सेल्फ एग्जाम्पल बना के देखें, अदर देन एमपीसी 0.5, यहाँ कैलकुलेशन किया गया 0.5 एमपीसी पे, आप इसको स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 0.5 एमपीसी पे। अब आप यहाँ एमपीसी को 0.8 लें 0.6 लें, तो अगर आप यहाँ 0.8 लेते हैं तो फर्स्ट राउंड में यहाँ आपके पास 80 आता 50 की जगह और इधर 20 आता, फिर अगेन 80 इन्वेस्ट होता। तो आप इस तरीके से शेड्यूल अपना बना के देखें, ये शेड्यूल 0.5 पे कैलकुलेट किया गया। नेक्स्ट कम टू द फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्शन ऑफ जो मल्टीप्लायर हैं वो क्या होते हैं। मल्टीप्लायर एक्शन इज फॉरवर्ड व्हेन देयर इज अ मल्टीपल इंक्रीज इन द इनकम कॉज बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने के कारण उससे इनकम जनरेट होती है, मल्टीपल इफेक्ट पड़ते हैं, देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, अगर इकोनॉमी आगे बढ़ती है। ऑन द अदर एंड मल्टीप्लायर एक्शन इज बैकवर्ड व्हेन देयर इज अ इनकम जो कम हो जाता है, मल्टीप्लाई डिक्रीज इन द इनकम कॉज बाय डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जैसे कोरोना के इंसिडेंट में जो अपने पास इन्वेस्टमेंट है वो कम हुआ है, तो ये बैकवर्ड एक्शन हो गया। अगर इकोनॉमी फ्लोरिश होती है, एक्स्ट्रा एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिलता है, उस कारण इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इनकम का एक्स्ट्रा एडिशनल जनरेट होती है इनकम, देन इट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड एक्शन। तो ये फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन भी पूछ लिए जाते हैं, बड़े सिंपल से हैं, तो आप इनको याद रखें, व्हाट इज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। एग्जांपल आपको दिया गया है डेल्टा वाई जो है इनकम इज के डेल्टा आई, ये उसी फॉर्मूले का मॉडिफाइड रूप है, वो फॉर्मूला आपके पास क्या था, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू के डेल्टा ही आपके पास हो जाता है। तो यहाँ अगर 100 करोड़ का आपके पास इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लाई 2 है तो 200 करोड़ होगा, तो इट इज द सेम फॉर्मूला। नाउ कम टू द हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द मल्टीप्लायर प्रोसेस, अगर इसको ब्रीफली कहा जाए देन इट इज द फ्लो चार्ट बना हुआ है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा तो चेंज इन इनकम होगा, और चेंज इन इनकम होगा तो चेंज इन कंजप्शन होगा, और जब चेंज इन कंजप्शन होगा तो आपके पास चेंज इन इनकम अगेन होगा, देन इट इज एक वीसीएस सर्कल सा ये यहाँ बन के आता है, देन इट इज क्लियर बाय दिस डायग्राम।
तो ये आपका एस इज इक्वल टू आई अप्रोच था। सेकंड क्वेश्चन जो इसका, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एडिशनल कंजप्शन, अगर पूरी इनकम कंजप्शन में कन्वर्ट हो जाती है, देयर इज नो सेविंग, जीरो सेविंग, तब आपके पास क्या इफेक्ट होगा इसका एडिशनल कंजप्शन का, व्हाट विल बी द वैल्यू मल्टीप्लायर क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला वही है आपके पास सेम, के इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एम पी सी, देन तो क्या हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस वन, तो जीरो, वन अपॉन जीरो गिव्स यू इन्फिनिटिव, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगा, मतलब इनकम इतना ज़्यादा इकोनॉमी में बढ़ेगा कि जो सारे चैलेंजेस हैं बिफोर इकोनॉमी सब सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो इट मीन्स आप जितना ज़्यादा खर्च करेंगे मार्केट में उतना ज़्यादा इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है। तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड दैट, कहते हैं ना जितना खर्च करोगे उतना ज़्यादा पैसा बढ़ेगा, एक सिंपल सी सेइंग है कि लक्ष्मी जो है, जो पैसे को जो लक्ष्मी बोलते हैं, ज़्यादा खर्च करने पे वो बढ़ता है, पैसा जैसे खर्च करोगे बढ़ेगा, इट इज़ अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स रूल जो कि यहाँ आपको बताया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय रुपीज़ 4000 करोड़ एन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन सेविंग। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है, इट मीन्स आप 100 में से 80 रुपीज़ खर्च करते हो, 20 रुपीज़ सेव करते हो। तो सबसे पहले मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालेंगे सेम फॉर्मूले से, कैलकुलेशन आपके सामने, देन इट विल बी 5 times, तो 5 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 times आपके पास ये मल्टीप्लायर आएगा। अब एम पी एस निकालना है, 1 minus MPC, तो जब 8 MPC है तो एम पी एस का वैल्यू सेविंग प्रोपेंसिटी 0.2 आ जाएगा आपके पास। अब इंक्रीज इन इनकम के इंटू डेल्टा आई मल्टीप्लाई कर दें तो 2000 करोड़ आपके पास आएगा, एंड इंक्रीज इन सेविंग एम पी एस इंटू डेल्टा वाई ये 400 करोड़ आ जाएगा। ठीक, तो दोनों वैल्यू आप इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉइंग द ऑनलाइन क्लासेस विद मी, एंड यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम एनी टाइम। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, सेकेंड पार्ट था। आप पूरे टॉपिक को समझने के लिए बोथ द अप्रोच वॉच बोथ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम काइंडली आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स अ लॉट, नाउ वी विल सी इन द विद अ न्यू चैप्टर, अपकमिंग चैप्टर, एंड थैंक्स अ लॉट।